असलकम वह वरक उम्मीद है कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे ज़क़़त के बारे में तमाम ही वीडियो एक साल पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई थी और इस साल ज़क़ात के बारे में जो हमारा बोर्ड है उस पर हम लिखकर आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाया जा रहा है वो जो समझाया जा रहा है वो समझाने का अंदाज़ और समझाने का तरीक़ा आपको पसंद है या नहीं और उस तरह से आपकी समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं तो बहरहाल रोज़ों के बारे में भी ही चीज़ें एक साल पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई थी और इस साल भी कुछ चीज़ें आपको वक्ता फ़वकाता बतलाई जा रही हैं तो बहरहाल आज मैं आपको वो चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ उन लोगों के बारे में बतला रहा हूँ कि जिनको रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है तो ये पांच लोग हैं जिनको रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है इनमें सबसे पहले है हामिला औरत वो औरत जिसके पेट में बच्चा है तो अगर किसी औरत के पेट में बच्चा हो रोज़ा रखने से पेट के बच्चे को या माँ को नुकसान पहुँचने का या बीमार हो जाने का खतरा हो तो वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है फिर वो बच्चे की पैदाइश के बाद मौका मिलते ही छूटे हुए रोज़े रखेगी ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की वजह से रोज़े छोड़ दिए जाएं, तो फिर छुट्टी फिर कभी रखने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसा नहीं है रोज़े रखने पड़ेंगे बच्चे की पैदाइश के बाद जब औरत को सुकून मिल जाए औरत को फ़ुरसत मिल जाए तो औरत वो छूटे हुए रोज़े रखेगी नंबर दो मुसाफिर मुसाफिर को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है और मुसाफिर वो है जो कम से कम अड़तालीस मील यानी आज के हिसाब से बयासी किलोमीटर दो सौ छियानवे मीटर या इससे ज़्यादा लंबे सफ़र के इरादे से घर से निकला हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है मगर इसमें शर्त यह है कि वो शहरी के वक्त भी सफ़र में ही हो ये शर्त है इसमें ऐसा ना हो कि शहरी के बाद सफ़र शुरू किया जाए तो अगर शहरी के बाद सफ़र शुरू किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है इसी तरह ये भी ध्यान रहे कि रमज़ान के, के रोज़े की फजीलत गैर रमज़ान में हरगिज हासिल नहीं हो सकती है इसलिए अगर सफ़र तकलीफ़ और परेशानी का ना हो बल्कि आरामदेह सफर हो तो फिर रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए नंबर तीन है दूध पिलाने वाली औरत दूध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है अगर रोजा रख कर दूध पिलाने से दूध न उतरने का खतरा हो या माँ और बच्चे में से किसी को सख्त तकलीफ़ होने का खतरा हो सख्त परेशानी होने का खतरा हो तो ऐसी सूरत में वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है नंबर चार है शेख शेख़ानी यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा शख्स जो रोज़ा रखने की हिम्मत न रखता हो जिसके अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत न हो रोज़ा कर उम्मीद हो कि इसका काम तमाम हो जाएगा तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और ऐसा शख्स रोज़े का फदिया देगा एक रोज़े का फदिया एक सद फ़्र के बराबर है जो कि हमारे यहाँ पर तकरीबन इस साल पैंतालीस रुपये के आसपास है यानी पैंतालीस रुपये एक आदमी का फितरा फी आदमी इस साल निकल रहा है फ़ी आदमी का फरा इस साल पैंतालीस रुपये है पाँचवा और आखिरी शख्स है मरीज़ ऐसा मरीज़ के रोज़ा रखने से उसका मर्ज़ और बीमारी बढ़ने का खतरा हो तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है बहुत से लोग चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, मगर वो किसी भी हालत में रोज़ा नहीं छोड़ते हैं जबकि होना ये चाहिए कि अगर जान चले जाने का खतरा हो तो ऐसी हालत में रोजा छोड़ने की ही नहीं बल्कि तोड़ने की भी इजाज़त है तो रोज़ा छोड़ना अलग चीज़ है रोज़ा तोड़ना अलग चीज़ है तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये पांच लोग जो मैंने आपको बतलाए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो बहरहाल अब आपसे रुखत होते हैं दुआ में याद रखें अल्लमक वरहुलल् वक्त